मेरे पास देखो ना। नहीं करते, बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। सुनाई नहीं देता तुमको एक बात में? और कुछ सुनना है? चलिए। हेलो व्हाट्सअप गाइज, इट्स मी जेनी मार्टिना। तो मैं फिर से आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज अभी मैं एसके पुरी पार्क आई हूँ। मैं यहाँ पे किस लिए आई मैं आपको थोड़ा बता दूँ, क्योंकि एक कपल है जो कि मुझे सुबह 10 बजे से तकरीबन कॉल कर रहे थे कि दीदी आपकी हेल्प चाहिए। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा शूट पे बिजी थी और इस वजह से मैं नहीं आ पाई। और आप लोगों को पता है कि शानवी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं उसे भी हॉस्पिटल लेके गई थी, इस वजह से मैं बिज़ी थी। तो मैं अभी शाम के 6 बज रहे और मैं अभी यहाँ पे आई हूँ, ठीक है। तो पहले मैं पूछ लेती हूँ कॉल करके कि वो लोग कहाँ पे हैं। हेलो, हाँ दीदी कहाँ हो आप? निखिल मैं तो एसके पुरी पार्क आ गई, तुम कहाँ पे हो? ओ दीदी मैं आपको सुबह से वेट करूँ, कहाँ आप जल्दी बताओ। मैंने बताया तुम्हें आ गई, सॉरी यार थोड़ा लेट हो गया था, कुछ पर्सनल काम था। दीदी जहाँ आप लोग का शूट होता है ना? हाँ हाँ, मैं वहीं पे वेट कर रहा हूँ। अच्छा वहाँ पे हो, ठीक है। किस कलर की ड्रेस पहनी है, तुम लोग में कुछ बता सकते हो? नहीं मैं एक ब्लैक कलर का शर्ट पहना हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। तो गाइज अब पता नहीं इन लोग का क्या प्रॉब्लम है, बस इन लोग बोला कि मुझे हेल्प चाहिए और आप लोगों ने सुना भी कॉल पे कि वो लोग मेरा सुबह 10 बजे से वेट कर रहे हैं। तो चलिए सेफ्टी के लिए मैंने कैमरा लगा लिया, आगे जो भी होता है आप लोगों को दिखाती हूँ। A few moments later. दीदी कहाँ थी आप सुबह? मैं थोड़ा पर्सनल काम था, बिजी थी। क्या हो गया तुम लोग? आप थी कहाँ पहले? मैंने आपको कॉल भी बहुत बार किया ना। आप ठीक है आओ बैठो बैठो। तुम लोग यार इतने परेशान, घबराए हुए क्यों? नहीं दीदी बहुत यहाँ पब्लिक है, यहाँ नहीं आनी प्लीज। बहुत दिक्कत है दीदी यहाँ पे। बात क्या है? बात बहुत बड़ी है, पहले यहाँ पे बैठो बैठो। दो मिनट बैठ के तो बात करो, मतलब अभी यहाँ पे कहाँ जाए? एक मिनट भी यहाँ बात नहीं हो सकता ना दीदी, कहीं चले जहाँ पे आदमी ना। ठीक है बैठो, एक सेकंड तो बैठो, पहले मुझे देखो। जब तक बताओगी नहीं मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, ठीक है दीदी? तो और कहीं पहले बताओ क्या हुआ है, क्या परेशानी है तुम लोग की? दीदी मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा करती हूँ, बट हमारे फैमिली को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं इसे प्यार करूँ और वो हमारे खिलाफ। एक सेकंड प्लीज दी, अब कुछ भी करो प्लीज प्लीज प्लीज। पहले देखो तुम शांति से बैठो, एक मिनट आओ बैठो यहाँ पे बैठो दी, प्लीज 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 हमारी हेल्प करो प्लीज। तो प्यार कर रही हो तो ठीक है, तो मतलब दिक्कत कहाँ रही? बैठो तो सही, क्या बात है? अब अच्छे से बताओ मुझे, रिलैक्स हो पहले, ठीक है? घबराना नहीं है दीदी, बहुत दिक्कत हो गया दीदी। अब क्या दिक्कत हो गई? ये तुमसे प्यार करते, इसमें क्या गलत है, क्या दिक्कत है? फैमिली को दिक्कत बहुत हो रही है, मेरी हेल्प करिए प्लीज 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 दी प्लीज। क्या बात है बताओ तो सही। आप लोग गंभीर बात है ना, बहुत बहुत हम लोग बहुत वो कोशिश किए हैं ऐसे वैसे, बट कोई वो नहीं हो रहा है ना, रेडी नहीं हो रहा है, कोई नहीं मान रहा है। तो यार देखो अभी तुम्हारी एज कितनी है? एज 16 इसकी, 16। कौन से क्लास में हो आप लोग? मैं 9th में हूँ। और आप? मैं भी 9th हूँ दीदी। और स्कूल? सेम स्कूल। क्लास में इनका प्यार है दी। तो मतलब कितने साल से आप लोग साथ हो? हम लोग एक साल से एक साथ है, एक साल से हम लोग एक साथ ही पढ़ते थे और उसके बाद फिर मतलब हम लोग पढ़ते पढ़ते प्यार हो गया। हाँ एक बात बताओ, मतलब आप लोगों का घर कहाँ है? पटना ही है? हाँ पटना ही में है। इसका पटना है, मेरा मनेर है। तो मतलब आप मनेर से यहाँ कैसे आ गए? हम लोग मतलब फैमिली को बिल्कुल भी मतलब वो नहीं था कि हम लोग एक साथ थे, बट एक दिन भैया हम लोग को देख लिए और उसके बाद मुझे मिलने से स्कूल जाने से सब चीज़ से मना करे, मुझे कुछ भी नहीं सोच रहा थी, प्लीज हमारी हेल्प करिए प्लीज। तो एक बात बताओ, तो मनेर से यहाँ कैसे आ गई? बस जाता है ना वहाँ पे, बस जाता है। तो मतलब घर में पता है सबको कि यहाँ पे? नहीं घर में पता रहता है, तो उन लोग को हम लोग को बिल्कुल भी आने भी नहीं देते। मतलब तुम लोग भाग के आए हो? हाँ।
पागल हो गए हो तुम लोग, क्या कह रहे हैं आप ही बताइए। फैमिली भी बिल्कुल भी नहीं मान रही थी, अब आप ही है कि प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए, प्लीज आप ऐसे मत बोलिए। इनका नाम क्या है? सपना। सपना, देखो सपना, मैं कैसे हेल्प करूँ यार, ये गलत है, तुम लोग अभी 18 प्लस भी नहीं हो यार। और प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए, प्लीज प्लीज दी, प्लीज प्लीज। हेल्प की बात है वो मैं कर दूंगी, लेकिन घर से भागना सही नहीं। एक बात मजबूरन हम लोग को भागना पड़ा ना यार। एक बात बताओ, क्या मतलब एज ही क्या है, ये एज है प्यार मोहब्बत करने की? एक बात बताओ दी, मुझे कुछ नहीं जाना, बस मुझे इसके साथ रहना है, कुछ भी आप करिए। मतलब अभी बताओ, वो कुछ कमा भी नहीं रहा है, कुछ करियर भी नहीं बना, तो मैं कहाँ खिलाएगा, क्या कमाएगा? वो जो खिलाएगा मैं खा लूंगी, मैं नहीं कुछ बोलूंगी इससे, ये मुझे जो खिलाएगा वो मैं खा लूंगी, बट मैं इसके बिना नहीं रह सकती। प्लीज प्लीज दी, मेरी हेल्प कर दीजिए, प्लीज प्लीज दी। ठीक है, मतलब हेल्प क्या यार, मैं तो यही सजेशन दूंगी कि तुम घर चले जाओ वापस। नहीं, घर नहीं जाना है, आप जहाँ रखे ना मैं वहीं रहूंगा। यार मैं कहा कैसे, प्लीज कहीं भी देखिए ना, इंतजाम करिए अपनी फ्रेंड अपनी दोस्त सपना, ये पता है ना ये गलत है, मैं गलत का साथ नहीं दी। प्लीज ऐसे मत करिए, प्लीज प्लीज यार, बहुत छोटे हो अभी, तुम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि क्या गलती कर रहे हो तुम लोग। हमें सब समझ में आ रहा है, आप ऐसे में, हम लोग बहुत उम्मीद से आए हैं आपके पास, हम जानते थे कि आप हमारी हेल्प पक्का करोगी, क्योंकि हमारा कोई भी नहीं है, प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए। अगर भैया को पता चल गया तो वो फिर हम लोग को अलग कर देंगे, प्लीज। चलो ठीक है, मैं कॉल करके देखती हूँ कहीं तुम लोग के रहने का बंदोबस्त कर, प्लीज कुछ कर, कोई देख लेगा भैया ना। ठीक है, मैं एक बार कॉल करके ट्राई करती हूँ, ठीक है? प्लीज दी, जल्दी करो प्लीज। वेट वेट वेट, फास्ट प्लीज, एक सेकंड, मैं कॉल ही तो कर रही हूँ ना, जल्दी जल्दी। मैंने इसीलिए बोला था आपको ना कि कहीं चलो करना। हेलो हेलो, एक हेल्प की जरूरत थी, मतलब दो बच्चे, मतलब उनके रहने का कुछ इंतजाम हो सकता है क्या? गार्जियन? हाँ गार्जियन उनके, मतलब गार्जियन नहीं है, मैं क्या बताऊँ, वो लोग घर से भाग के आए हैं और बहुत डरे हुए हैं, मतलब मैं इन्हें अकेले भी नहीं छोड़ सकती हूँ, शाम के 6:30 बज रहे हैं, तो मतलब कुछ हो सकता है क्या? कहाँ पे हो अभी? एसके पुरे। चलो ठीक है, थोड़ी देर में आ रहे हैं। ठीक है ओके। देखो मैंने बात कर लिया है, ठीक है? अब थोड़ी देर वो बोल रहे हैं कि यहीं पे आ रहे हैं वो। दी बहुत टाइम हो जाएगा, वो आ जाएंगे, प्लीज प्लीज प्लीज, हमारे इसलिए अपने अपने नंबर वंबर सब ऑफ किए हैं, प्लीज। ठीक है तो पार करना, कोई भी देख लेगा, किसी को कोई देख लेगा, दी प्लीज। ठीक है एक काम करो तुम लोग, मैं क्या करूँ यार, मैं खुद मतलब यहाँ पे मैंने टीम मेम्बर को कॉल कर दिया, प्लस मैं जहाँ रहती हूँ ना वहाँ पे ऑलरेडी जगह है नहीं, तो मैंने सोचा कहीं और। प्लीज कुछ भी कीजिए, प्लीज 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 दी प्लीज। एक बात बताओ सपना, मतलब तुम अपनी मर्जी से भागी हो ना? हाँ मैं अपनी मर्जी से भाग रही हूँ, प्लीज। साथ तुम भी प्यार करते हो, दोनों का मर्जी है, दोनों का मर्जी है, प्लीज दी जल्दी, प्लीज प्लीज कुछ जल्दी करिए। चलो ठीक है, मैं अपने फ्लैट पे लेकर चलती हूँ, बैग वैग लो। भैया कौन है ये? क्या चल रहा है? सुनिए बात, सुनिए क्या बात, सुनिए पहले एक सेकंड बात तो सुनिए, इसका इसको इसको छोड़िए। आप कौन, आप कौन भैया? भैया एक मिनट, आप कौन भैया? भैया ये कौन है? ये भैया उधर बात मत कीजिए, मेरे से बात कीजिए ना। क्यों नहीं बात करेंगे क्या इधर? एक सेकंड इसको छोड़िए, अच्छे से आप बात कीजिए ना। क्या बात सुने? ठीक ना, आप हो कौन? बात करो, हम इसके भाई हैं। तो भाई हैं तुम? भाई हैं तो क्या? बात सुनिए पहले मेरा, जो बोल रहा हूँ मैं। क्या बोल रहे हो बोलो? क्या मतलब क्या बोलना, क्या चाहते हो आप? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? बोलना क्या चाहते हो आप? बच्चा है ना, गलती हो ना, समझाए हैं बच्चा है क्या? ये लोग अभी मैं बार बार ना समझाया, किसे दूर रहो, मैं नहीं समझ में आता। मैंने भी आपको बार बार बोला ना, क्या बार बार बोले हो? मैंने भी क्या बोलो, किस तरीके से तुम बोले हो? हम तुमको क्या बोलते, तुम लोग पढ़ने लिखने को उम्र है ना? आराम से क्या, हम लोग पढ़ लिख रहे हैं? क्या पढ़ लिख रहे हो? पढ़ लिख रहे हैं, दिख रहा है कितना पढ़ रहे हो? ठीक ना, दिख रहा है तुम लोग का पढ़ाई लिखाई? आप लोग को दिख रहा है ना? वो नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। हम उसी से निकल चुके हैं, ठीक है? रॉन्ग थिंग्स आपको ज्यादा दिख रहा है? रॉन्ग थिंग्स नहीं दिख रहे हैं जी। जी क्या रॉन्ग थिंग्स नहीं मुझे दिख रहे हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप
एक सेकंड बात समझने को, बचपना में हो गया ना गलती, मतलब आप अगर आप ऐसे करेंगे तो ये लोग से और गलती होगा ना, मतलब प्यार से समझाओ ना आप इसको। आप ही का बात मैं मानता हूँ ठीक है कि बचपना है, हाँ आदमी एक बार दो बार तीन बार तो देखो आप मतलब ऐसे गुस्सा करके करोगे तो नहीं समझेगा ना, प्यार से समझाया आपने कभी। मानते हैं भैया क्या भैया, मेरे माइंड में और कुछ गलत थिंग्स चलती ना तो मैं अभी यहाँ आप नहीं देखते हम दोनों को, तो कहाँ देखते हैं, कहीं और देखते हैं, कहाँ कहीं और देखते हैं, देखते ही नहीं आप। क्यों नहीं देखेंगे, अपनी बहन पर नहीं देखेंगे, किसको ध्यान देंगे हम, किसी और के लड़के पे ध्यान देंगे क्या, आप देख ही नहीं सकते ना। तो एक बात बताइए, भी तो अपनी मर्जी से यहाँ पे आई है ना, मेरी मर्जी से आई हो क्या? नहीं भैया, यार कितनी झूठी है, मेरे सामने इसने एक्सेप्ट किया था कि तुम मर्जी से आई हो। क्या समझा तो समझ में नहीं आता एक बार में, क्या चीज जो भी अपनी मर्जी से तुम अपने कैसे आके यार, यार आप गलत समझ रहे हो, इस लड़की ने खुद बोला कि अपनी मर्जी से आई है। बोले कि नहीं आए हैं, आई अपनी मर्जी से, अभी तुरंत ही मुझे बोली आप। क्यों ऐसे कर रही हो यार, सुनो ना क्यों क्या, ये जब बोले कि नहीं आए तो फिर इधर बात करो ना, हमसे बात करो ना, ऐसे क्या बात करो, हमसे इधर देखो ना, प्लीज हमसे देखो ना, तुम झूठ क्यों बोल रही हो, हाँ क्या ये बोल रही हो, क्यों झूठ बोल रही हो तुम, ये झूठ बोल रही है, बैठू यहाँ पे बैठू तो बैठू पहले, ये झूठ बोल रही है आपकी बहन ठीक है, मैंने अभी अभी पूछा, ये बोली अपनी मर्जी से आई है, बैग वैग में सामान देख लीजिए किसका है, किसका कपड़ा है ये, किसका कपड़ा है, हाँ तुम अपनी मर्जी से नहीं भागी तो ये सब कहाँ से आया है, मेरा नहीं है, ये किसका बाबू, मेरा नहीं है, देखिए हमेशा ये चीज़ नहीं है कि लड़की है तो ये सही है ठीक है, भैया मेरा नहीं है, गलती दोनों का है तो दोनों को सजा दीजिए। मतलब कि एक बात बताओ, तुम लोग को उम्र क्या हो रहा है, तुम लोग का एज क्या हो रहा है अभी, ठीक है उम्र नहीं हो रही है ना, तो मैंने हम दोनों कोई गलत काम किया क्या, गलत काम किया बाबू, बहुत गलत काम किया ठीक है, अगर तुमको इतना ही था तो तुम घर में आके बात करते, आमने सामने बात करते, चाहे तुम हमसे आके बात करते, नहीं कोई राजी था भैया, कैसे तुम बात हमसे किए नहीं तो कैसे कोई राजी नहीं होगा, बात किया है अंकल से, कब बात किया है, मैंने बात किया पूछी इससे, अंकल जी ने बात किया पापा से, नहीं तुम थी यार, ये हर बात में झूठ क्यों बोल रही है, नहीं पहले उंगली नीचे ठीक है, उंगली नीचे आराम से, तो आँख नीचे करके बात करो ठीक ना, टेवरा मत डाले आराम से रहो, तुम तो चुप रहो एकदम, तुम तो कुछ बोलो मत, प्लीज नहीं नहीं प्लीज क्या, चुपचाप बैठो देखो ना एकदम आराम से, मतलब क्या है तुम लोग, क्या करना है अब, पढ़ने लिखने को मैंने तुम लोग यही बचा हुआ है काम करने के लिए, पढ़ना लिखना प्लीज, हम बोले तुमको चुप रहने के लिए मतलब चुप रहो ठीक है, पढ़ना लिखना है भैया, बट मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, क्या भाई ऑक्सीजन है क्या कि तुम इसके बिना नहीं रह सकते हो, मैं बोल रहा हूँ भैया क्लियर सब, क्या कमाते हो कि तुमको अपने बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में देते हम, मैं खिलाऊंगा आप आराम से बात कीजिए ना, आप अपनी बहन, एक सेकंड एक्सक्यूज मी, हेलो आपका नाम क्या है, मेरा नाम मितेश है, बोलिए एक बात बताओ, अपनी बहन से तो इस लहजे में बात नहीं करो जैसे इससे बात करो, आपकी बहन है बस इसलिए, हाँ मेरी बहन है इसलिए, और मेरी बहन किसी और का बेटा है इसलिए, किसी और का बेटा क्या कुछ भी काम करेगा जैसे हम बोलेंगे मैं उसको, तो कुछ भी उसकी भी गलती यार, कपड़ा दिख रहा है सब कुछ, वो जबरदस्ती थोड़ा ना कोई भगा के लाया है, उतनी ना समझ तो नहीं दिख रही है, क्या बोल मैं 100 बात की एक बात बोल रहा हूँ, हाँ बोलो कि क्या मैं इसके बिना नहीं रह सकता, कहे नहीं रह सकते भाई, मैं क्यों नहीं रह सकते, क्या कारण है, यही बात मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, क्यों नहीं रह सकते हो, आप नहीं समझ रहे हो, ये कहीं कैसे बेटर है कि तुम इसके बिना नहीं रह सकते हो क्या, उससे भी बेटर है, उससे भी कैसे बेटर है, उससे भी बेटर है, कैसे बेटर, हमको तो नहीं लगता कि बेटर है, कहीं से बेटर है, आपकी बहन है ना, बहन है तो उसे क्या, देखो मतलब ये लोग प्यार करते हैं ठीक है, आराम से रहो ठीक है, आराम से आप रहने से आराम से क्यों, तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या हो, या मुझे पता है कभी कभी हंसी भी आ रही है, हंसी आ रही है, किस लिए हंसी आ रही है, हंसी आ रही है आपकी बात सुन रही है, क्या इसलिए हंसी आ रही है, बताओगे, मैंने जब आपको हर एक मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, क्यों नहीं है, अभी तो तुमको बोलना पड़ेगा, और मुझे लग रहा है ना कि मुझे कुछ गलत काम करना पड़ेगा, क्या गलत काम कर रहे हो, करके दिखाओ तो, अभी नहीं कर सकते ना, क्यों नहीं कर सकते, हम वो गलत काम करेंगे ही नहीं ना, करके मुझे कुछ और गलत काम करना पड़ेगा, मैं सामने करके दिखाओ, उससे घाटा पता है, इससे घाटा, इस चीज से घाटा आपको होगा, आपके फैमिली को होगा, वो फैमिली मेरी है, आप भी फैमिली, ये नहीं कि मेरी, ये भी मेरी, आप भी मेरे हो, सब मेरे हैं, सुनो ना क्या बोल रहे हो, तमीज ना बोलो, क्या बोल रहे हो,
या नहीं बोलो सर, तमीज में बोलो, ठीक है? छोड़िए इसको, मतलब ऐसे क्यों कर रहे हो आप? लहजे में रख के बोलो भैया, प्लीज छोड़ दीजिए। हम बड़े हैं, ठीक है? तमीज में बोलो भैया, बड़े तभी तो हटो यहाँ से। बड़े भैया? भैया नहीं, भैया जी आप बड़े हो ना, तभी बड़े तो क्या तुमको समझ में आ रहा, तुम क्या बोल रहे हो? इसका हाथ छोड़िए ना, ऐसे मत कीजिए। भैया जी आप पहले तुम आराम, तुम भी आराम से रहो, बड़े हैं ना, बोल रहे हो तू समझ में आ रहा है? आप बड़े हो ना तभी, मैं पता है तुम किस सेंस में बोल रहे हो, तुमको समझ में आ रहा है? पता है, अच्छे से पता है, क्या तुमको पता है? अच्छे से पता है, क्या तुमको पता है? आप बड़े हो ना तभी उस टाइम से मैं आपको लहे लहे ले जा रहा हूँ, तुम हल्के लहे लहे में बोल रहे हो, क्या लहे लहे संग लेके जा रहे हो उनको? नहीं तो अभी ना, नहीं तो क्या, इस तरह से आप कॉलर धरे हो ना बहुत कुछ हो जाता, बहुत धरे, बहुत कुछ, धक्का भी नहीं। अरे आराम से रहिए ना आप लोग। भैया प्लीज, भैया गा रहा है कि नहीं, क्या कर रहे हो? नहीं क्या नीचे क्या, अबे हाथ पैर तुमको नीचे रखे हैं। हम भैया प्लीज छोड़िए, भैया छोड़िए, भैया प्लीज, क्या कर रहे हो भैया? प्लीज नहीं, प्लीज छोड़िए, जाओ बच्चा की तरह, बच्चा की तरह छोड़िए, जाओ भी तुम, चुप चुप एकदम आराम से, ठीक है? लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, वार्निंग मत दीजिए आप, याद रखिएगा लास्ट वार्निंग है, इसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। अगले बार से एकदम पता है, अगले बार से वो भी आप नहीं बोल पाइएगा। क्यों भाई यार, आप लोग आपस में मत लड़ो यार, आप वो भी नहीं बोल पाइएगा अगले बार से। बोले ना चुपड़े एकदम, समझ में नहीं आता तुमको, बोले ना चुपड़े निकले एकदम। तेवर पता है, नीचे रखिए तेवर अपना, चप्पल देख लो, चप्पल चप्पल मारेंगे समझे ना, चप्पल दिखा रहे, चप्पल 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 भी मारेंगे समझे ना, मत और कुछ करके दिखा, और कुछ और कुछ, आराम से हो, ठीक है? आराम से, आराम क्या होता है, और कुछ और कुछ, बच्चा हो तुम, और तुमको बोल रहे ना बैठने के, आराम से बैठो इधर। अरे आप बात तो सुनिए इन लोगों की, आप इतने गुस्से में क्यों हो, किसी की बात सुनने की तैयारी नहीं हो रहे हो क्या? चलो रुको ना, गाड़ी में आप ही बैठाइएगा, एक बात याद रखिए, गाड़ी हाँ चलो क्या, सौ नंबर के थाना पे बुलाया क्या, बात कर रहे हो कि हम बैठेंगे गाड़ी में? मैं बोल रहा हूँ तो गाड़ी में बैठाएंगे, जरूर हाँ, बैठाएंगे, लेकिन हाँ, इसके गाड़ी में नहीं, हाँ, सौ नंबर के गाड़ी पे, ठीक है? मुझे इसके गाड़ी पे आप नहीं बैठेगा, मैं ही गाड़ी लेके आऊंगा, आप ही बैठिएगा। ऐसा भ्रम मत पालो, ऐसा भ्रम मत पालो अपने माइंड में। गाड़ी कहाँ से? बोला ना चुप निकले, भूल गया क्या भैया? भैया भूल गया क्या, दूल्हा गाड़ी लेकर आता है ना? अरे दूल्हा गाड़ी लेकर आता तो क्या, दूल्हे गाड़ी में बैठिएगा अपनी बहन को, इतना बहुत ज्यादा आगे निकल गए, ठीक है? मारिएगा, अरे बच्चा बुच्चू को हम नहीं मार सकते, ठीक ना? भाई हो छोटा जैसा हो, इसलिए प्यार से भाई मत बोले ना, भाई क्यों बोल रहे, ठीक है? भाई मत बोलिए, समझा रहे प्यार से, बाबू हो बच्चा हो, बच्चा की तरह रहो, ठीक है? नहीं प्लीज चलिए, समझे? कोई फायदा नहीं, कोई बोले रहो, ठीक है? चाहते मत एक मिनट बोलो, प्यार करती हो? नहीं तो प्यार नहीं करती है, बोले भाई बड़ा बड़ा सपना देखे थे, बड़ा बड़ा गाड़ी में लेके जाओगे, गाड़ी में छोड़ने आएंगे, क्या प्यार नहीं करती है? नहीं पक्का बोल रहे कि नहीं करते? पक्का कैसे यार, अभी तुमने कहा था ना करती हो, देखो मेरे पास देखो ना, नहीं करते, बोल रहे नहीं करते हैं, सुनाई नहीं देता तुमको एक बात में, और कुछ सुनना है? चलिए और कुछ सुनना है, मारो मारो, नहीं क्या मारो, जाओ भाग सीधी है, जाओ छोड़ो, इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक है? बाप प्लीज प्लीज आप जाइए, ठीक है? जाइए अपनी, वो भी नहीं करती है प्यार, जाइए लीजिए उसका सामान वगैरह जो भी है, जिसका ये सामान भी तुम्हारा नहीं है, घर बताते हैं पहले, ये लो पकड़ो। और एक बात और, अगर सच बोलने का हिम्मत होगा ना तभी दूसरी बार मिलना मेरे से, ठीक है? पकड़ो अपना सामान, चलो पीछे क्या रहे, देखिएगी वो पीछे यार कैसी लड़की है तुम्हारी।